बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेगुलेशन इन प्लांट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से, यानी कौन सा इन्वायरमेंट, यानी उनका इक्वेटिक इन्वायरमेंट है या मॉडरेट इन्वायरमेंट है या फेयरली ड्राई कंडीशन है, किस सिचुएशन के अंदर वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेटिक इन्वायरमेंट होता क्या है। इक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी जिसके अंदर वाटर वाटर हो, ठीक है, पानी वाला इन्वायरमेंट। आपको पता है कुछ प्लांट्स ज़्यादा पानी में रहते हैं, यानी समंदर में जो प्लांट्स हैं, जो दरिया के अंदर प्लांट्स हैं, झील के अंदर प्लांट्स हैं, जाहरी सी बात है उनको हम क्या कहेंगे, वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यानी उस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा है। तो उन प्लांट्स को हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट। हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट्स। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपको नाम सुनते पता चल जाना चाहिए कि उन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है जो कि पानी में रहते हैं, जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो आपने लफ्जी मतलब याद रखना है, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। उसके बाद आपको पता है कुछ प्लांट्स जो हैं वो मॉडरेट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, यानी कि वहाँ पर ना तो पानी इतना ज़्यादा होता है ना ही इतना कम होता है, पानी नॉर्मल पानी होता है, मॉडरेट इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। मॉडरेट कहते हैं दरमियाने को, ठीक है, जो बिल्कुल दरमियान में हो, सेंटर में ना ज़्यादा पानी हो ना कम पानी हो, तो मॉडरेट कहते हैं दरमियान को, यानी मिड वाले को। तो उसको उसको उस कैटेगरी को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं मीज़ोफाइट। जैसे कि आपने मिज़ोग्लिया सेल्स पढ़े हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, ऐसे ही उससे ही निकला है वर्ड मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, सादा माहौल के अंदर, दरमियाने माहौल में, यानी ना तो वहाँ पानी ज़्यादा होगा ना ही पानी कम होगा, नॉर्मल सा पानी होगा, उसको हम कहेंगे ये क्या है, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं। ड्राई इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, यानी वहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। मिसाल के तौर पर जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स हैं, जो सहरा के अंदर प्लांट्स हैं, वहाँ पर पानी बहुत कम है। आपको पता है सहरा के अंदर तो बारिशें भी बहुत कम होती हैं और वहाँ पर नेचुरल जो वेज हैं पानी के वो भी बहुत कम है, नहरें वगैरह या दरिया वगैरह वहाँ पर बहुत ही रेयर है। इस वजह से सहरा के अंदर जो पौधे होते हैं उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ अडॉप्टेशंस करना पड़ती हैं, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो पौधे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ड्राई एनवायरनमेंट में, डेजर्ट के एनवायरनमेंट के अंदर कैमल की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जो कैमल है जिसको हम सहरा का बादशाह कहते हैं, वो कई कई दिन पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लिया है, माहौल के अकॉर्डिंग उसने ऐसी अडॉप्टेशंस कर ली है, उसकी स्किन इतनी हार्ड है कि उसकी स्किन की वजह से उसका पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, पानी इतना लॉस नहीं होता उसकी स्किन से, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। उसकी स्किन हार्ड होने की वजह से उसको वहाँ पर सर्वाइवल उसका जो रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ड्राई इन्वायरमेंट में सहराई पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि जो पौधे कम पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस हमने देखी, हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, ये तीनों कंडीशंस वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों कंडीशंस वो कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर जिस तरह के प्लांट्स होंगे उस तरह का उनका इन्वायरमेंट होगा। हर पौधा अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक ढाल लेता है और उस जगह पर सर्वाइव करता है। और आपको पता है आजकल तो वैसे भी वही सर्वाइव करता है जो कि फिट होता है, फिटेस्ट ही हमेशा सर्वाइव करता है, जो कि माहौल के मुताबिक अपने आप को चलाता है वही सर्वाइव करता है। यही कुदरत का कानून है, यही दुनिया का जो है वो दस्तूर है। तो ऐसे ही प्लांट्स भी जो हैं अल्लाह ताला ने उनको भी इस तरह की अडॉप्टेशंस दी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वो सर्वाइव करने के लिए अपने आप को जो है वो फिट करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहली टर्म है हमारे पास हाइड्रोफाइट, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया हाइड्रोफाइट्स क्या है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, उसके अलावा ओशंस में, ठीक है। अब आपको पता है जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है,
वो प्रॉब्लम ये होगा कि देखें वो चूंकि वो पानी के अंदर रह रहे हैं और आपको पता है कि पानी के अंदर पौधे रह रहे हैं, उनके पास पानी ज़्यादा हो जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगी। यानी आपको पता है हर चीज़ एक प्रॉपर अपने एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहे तो ही वो सर्वाइव करती है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये जो पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स, ये तो रहते ही पानी में हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पर। तो इनके लिए अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स रखे हुए हैं कि जिनको वो अपनाकर अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। देखिए हाइड्रोफाइट्स के अंदर सबसे पहली जो अडॉप्टेशन वो क्या करते हैं, वाटर फ्लडिंग, यानी वाटर फ्लडिंग से बचने के लिए वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इनके पास ऐसी अडॉप्टेशन होती हैं कि वो रिमूव कर सकें फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर, यानी अगर वो पानी के अंदर रह रहे हैं तो अपने आप को वो फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग मीन पानी को बॉडी से बाहर रिमूव करवाते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवाते हैं। उसके लिए स्पेशल उनके पास मैकेनिज्म होते हैं। वो मैकेनिज्म क्या है आइए देखते हैं। वो मैकेनिज्म ये है कि जब लीफ जो उनके पत्ते हैं, आपको पता है स्टोमेटा होते हैं प्रेजेंट, पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो उनके जो पत्ते होंगे, उनके जो लीफ लेमिना होंगे वो ब्रॉड होंगे, ब्रॉड मीन चौड़े चौड़े पत्ते होंगे, जिसकी वजह से पत्ते चौड़े होने की वजह से क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिसका मतलब है लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, पानी वहाँ से ज़्यादा लॉस होगा। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लांट है जिसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से लीफ हैं उसके, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रोमेटा भी तो एक दो ही होंगे, बहुत कम स्ट्रोमेटा होंगे, तो इसलिए ट्रांसपरेशन का रेट भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चूंकि हाइड्रोफाइट्स की, इनके साथ एक प्रॉब्लम है चूंकि ये पानी में रहते हैं, इनको ज़्यादा मसला ये है कि ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए, इनको नॉर्मल पानी चाहिए। अपनी बॉडी से पानी को ज़्यादा रिमूव करने के लिए वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके पत्ते बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े से छोटे छोटे से उनके पत्ते होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा स्टोमेटा जब प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपरेशन का रेट होगा, ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लडिंग होगी। फ्लडिंग की वजह से इनकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद स्टोमेटा की हमने, मैंने आपको बता दिया पहले ही, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे उनकी अपर एपिडर्मस के ऊपर। एपिडर्मस क्या है, पौधे की सबसे बाहर वाली जो लेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस। तो उनकी जो अपर एपिडर्मस है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक ऐसे पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं जो कि दो गार्ड सेल्स के सेंटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से बीन शेप इनका स्ट्रक्चर होता है जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और उन दो गार्ड सेल्स के दरमियान में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। उसके बाद देखिए इनकी एग्जांपल्स में क्या है, इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास वाटर लिली और पिस्तिया, दो प्लांट्स एग्जांपल्स यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। तो वाटर लिली क्या है, वाटर लिली एक फ्लावर है, एक रोज है जिसके पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं। उसके बाद पिस्तिया क्या है, पिस्तिया एक ऐसा प्लांट है जो कि गोभी की तरह किसके पत्ते होते हैं, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स के अंदर कंसीडर करते हैं, ये पानी के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर आपको डायग्राम, आप अपनी बुक के ऊपर डायग्राम देखें, डायग्राम नंबर 15.3, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखें ये वाली डायग्राम जो है 15.3, जिसमें हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, इसमें उन्होंने आपको दिखाया होगा, देखें इनके लीव्स कितने ज़्यादा ब्रॉड हैं, चौड़े चौड़े इनके लीफ हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपरेशन भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा ट्रांसपरेशन होने की वजह से उनकी फ्लडिंग होगी और बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें मीजोफाइट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे हैं जिनका इन्वायरमेंट क्या है, मॉडरेट इन्वायरमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल सा इन्वायरमेंट है, ना पानी ज्यादा है ना पानी कम है, अवेलेबिलिटी बिल्कुल मॉडरेट है, नॉर्मल है, दरमियानी है। अब इनके अंदर क्या होगा, वो सारी कंडीशंस जो हमने हाइड्रोफाइट्स में पढ़ी हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट होंगी। देखें सबसे पहली बात कि स्टोमेटा रिमेन ओपन ऑन लोअर एपिडर्मस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर।
हमने यहाँ पढ़ा हाइड्रोफाइट्स के अंदर के जो स्टोमेटा हैं वो उनके अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे और उनके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेसोफाइट्स के अंदर भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़नी है मेसोफाइट्स में। एक कंडीशन वो होगी जिसमें पानी उनके लिए सफिशेंट है, जितना उनको चाहिए उतना ही पानी है, लेकिन एक कंडीशन वो भी हो सकती है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी थोड़ा कम पानी होगा। तो जब ज़्यादा पानी है, सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, उस टाइम पर क्या होगा, स्टोमेटा ओपन रहेंगे कहाँ पर, लोअर एपिडर्मस के ऊपर। उनकी जो लोअर एपिडर्मस है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और वो रिमेन ओपन रहेंगे। क्यों ओपन रहेंगे, क्योंकि उनके पास पानी जितना उनको चाहिए उतना उनके पास है। तो अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर उनके लिए मसला हो जाएगा, इसलिए वो स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर वहाँ पर पानी कम हो जाए या पानी की लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाए, पानी की मकदार थोड़ी कम हो जाए, तो उस सूरत हाल में क्या करेंगे वो प्लांट्स, उस सूरत हाल में सप्लाई स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी वाटर की तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो इसका मतलब है वहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, उनके अंदर से वाटर का लॉस जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेसोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये दो सिचुएशंस थी हमारे पास, जब ज़्यादा पानी होगा, जब कम पानी होगा मेसोफाइट्स के अंदर, तो एक सिचुएशन में वो स्टोमेटा को ओपन कर देंगे और एक सिचुएशन में स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है, रोज, मैंगो, ब्रासिका, ये सिंपल कोई भी आपके जो रोजेज हैं, आपने आपको पता है जो रोजेज हैं, फ्लावर्स हमारे घरों में जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, जो डेकोरेशन के लिए हम अपने घरों में रखते हैं गमलों के अंदर, तो वो प्लांट्स, रोजेज प्लांट्स, आपको पता है वो मॉडरेट इन्वायरमेंट होता है। हमारे घरों के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो मेसोफाइट्स होते हैं मोस्टली, वो मॉडरेट इन्वायरमेंट में सर्वाइव पाते हैं। उसके बाद मैंगो भी इसी तरह की एग्जांपल है, ब्रासिका भी, ये सारे क्या है, मेसोफाइट प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट वन इज द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके अंदर पानी कम होता है, यानी वो कम पानी में गुजारा कर लेते हैं, जितना वाटर उनको मिले उसी में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के मुताबिक अपनी अडॉप्टेशंस कर लेते हैं। यानी इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि ये कम पानी में भी गुजारा कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली अडॉप्टेशन क्या होगी, सबसे पहली अडॉप्टेशन ये है कि ये अडॉप्ट करते हैं अपने आप को कि रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये सारा बिल्कुल अपोजिट होगा किसके, हाइड्रोफाइट्स के। हाइड्रोफाइट्स में मसला था कि पानी ज़्यादा है, अब ज़ीरोफाइट में मसला है कि पानी कम है। अब इस मसले को सॉल्व आउट कैसे करना है, किस तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे, उसके लिए पौधे ने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि उन वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। देखें सबसे पहली अडॉप्टेशन उसकी है, उसने सबसे पहला जो उसका टारगेट है वो ये है कि उसने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करना है। अब बिल्कुल कॉमन सी बात है, आपको समझ तो आ ही गया होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस तरह कम होगा, वही एग्जांपल जो हमने यहाँ पढ़ी थी कि वो अपने लीफ हैं उनको थोड़ा कम कर लेगा, छोटा कर लेगा। जब लीफ साइज में छोटे होंगे तो क्या होगा, उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा तो बॉडी से पानी जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, बहुत ही कम पानी निकलेगा, जिसकी वजह से ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे। ये तो पहली अडॉप्टेशन हमने पढ़ ली, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल थिक लीव्स, उनके जो पत्ते होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, थिक होंगे, मीन थोड़े मोटे पत्ते होंगे, टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। अब इसका मकसद क्या है छोटे पत्तों का, छोटे पत्तों का मकसद ये है जब उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या है, यानी उनकी जगह कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उस वजह से उनका पानी का जो लॉस है, वाटर लॉस है, वो उसको रोक सकते हैं कम सरफेस एरिया की वजह से। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कि आप मिसाल के तौर पर आप चाय पी रहे हैं और चाय गर्म है, आप चाह रहे हैं कि चाय को ठंडा करें। अब आप अगर चाय एक छोटे से कप के अंदर होगी तो उसका सरफेस एरिया छोटा है ना कप का, इसलिए चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। लेकिन आपको जल्दी ठंडी चाय पीनी है तो आप क्या करेंगे, एक पिंच लेंगे, उसके अंदर चाय को डालकर ठंडा करना शुरू कर देंगे, तो उस पिंच का सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो उस पिंच के अंदर चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू कप। कप का सरफेस
सरफेस एरिया कम है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पौधों के अंदर उनका अगर पत्तों का सरफेस एरिया कम होगा तो उनका ट्रांसपरेशन भी रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उनका ट्रांसपरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो पौधों, वो जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पत्तों को छोटा रखते हैं, उनके पत्ते थोड़े थिक होते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो उसको स्टोर कर सकें। उसके बाद क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल क्या होती है, इन क्यूटिकल एक हार्ड और वैक्सी लेयर होती है पौधों के ऊपर, बार्क के ऊपर, ठीक है। जो बार्क होती है प्लांट्स की, जीरो फाइव प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल है वो क्या है, वो थिक है, वैक्सी है और लेदरी है। वैक्सी और लेदरी का क्या मतलब है, थिक का मतलब तो होगा कि वो मोटी है, वैक्सी का मतलब होगा थोड़ी जूसी होगी। जब आप उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़कर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वैक्स की तरह का चिपचिपाहट सी फील होगी, और लेदरी है मीन आप जब उसको देखें, आप उसको तोड़ेंगे उस ज़ीरो फाइव प्लांट्स को, कभी आप ब्रेक करके देखें तो उसके अंदर से बिल्कुल एक लिक्विड सा निकलेगा, गाढ़ा सा लिक्विड होगा, जो कि आपको फील होगा कि ये वैक्स की तरह का है, चिपचिपाहट सी फील होगी। वो क्यों होता है, इसलिए होता है अगर पौधे को पानी नहीं भी मिल रहा तो ड्राई कंडीशन की वजह से, ड्राई एनवायरमेंट की वजह से पौधा जल्दी ड्राई ना हो जाए, पौधा जल्दी डेड ना हो जाए। उस डेड होने से बचाने के लिए उसके पत्तों के अंदर जो है वो थोड़ा सा मटेरियल सेव कर लिया जाता है, उसकी क्यूटिकल जो है वो थिक हो जाती है, वैक्सी हो जाती है और लेदरी हो जाती है। उसके बाद स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों की लोअर साइड पर स्टोमेटा होंगे और डिप्रेशंस भी होंगे। देखिए पीछे हमने दो प्लांट्स के बारे में बात की है, एक वो प्लांट्स जो कि मेसोफाइट्स हैं और एक वो प्लांट्स जो कि हाइड्रोफाइट्स हैं। उन दोनों के अंदर हमने स्टोमेटा की बात की कि एक के अंदर अपर एपिडर्मस पे स्टोमेटा थे और एक के अंदर लोअर एपिडर्मस पे स्टोमेटा थे। लेकिन ज़ीरोफाइट्स के अंदर उन दोनों के अपोजिट होगा, ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो होंगे वो पाए जाएंगे उनकी डिप्रेशंस में। डिप्रेशंस मीन देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है या एक लीफ है इस तरह से, तो उसके अंदर स्टोमेटा जो है वो पाए जाएंगे बिल्कुल अंदर जाके, इस तरह से डिप्रेशंस होंगे, उन डिप्रेशंस के अंदर सेंटर के अंदर स्टोमेटा होंगे। डिप्रेशन किसे कहते हैं, एक अंदर की तरफ दब जाना, दबाव अंदर की तरफ जो है वो एक दबाव हो जाना, उस जगह पर उस घड़े को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। तो उस डिप्रेशन के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब वहां पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो चूंकि ज़ीरोफाइट्स के अंदर पानी कम होता है, जब कभी कभार जब बारिश होती है सहरा में, आपको पता है बहुत ही कम पानी होता है, कभी कभार जब बारिश होती है तो उस दौरान पौधे क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास स्पेशल सक्यूलेंट स्टेम्स होती हैं। सक्यूलेंट स्टेम्स मीन सक करना, यह वर्ड निकला है सकिंग से, जैसे हम सक करते हैं ना, जैसे से हम सक करते हैं कोल्ड ड्रिंक को, वाटर को, ऐसे ही इनके पास सक्यूलेंट स्टेम होती है। वो स्टेम क्या करती है, जब पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनके पास ड्यूरिंग रेन, उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उन संकन स्टोमेटा के अंदर स्टोर कर लेता है। जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं उन संकन स्टोमेटा के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं वाटर को, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब कभी पानी की कंडीशन कम हो, ज़ीरिक कंडीशन हो, तो हम इस स्टोर वाटर को यूज़ कर सकें और पौधे को डेड होने से बचा सकें। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है कैक्टी की। कैक्टी यानी कैक्टस जो प्लांट होता है, तो कैक्टी क्या करता है, अपने पौधों को, अपने पत्तों को शेड कर देता है, अपने लीव्स को गिरा देता है उस कंडीशन में जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जब पानी जो है वो बहुत ही कम होगा उसके पास, तो कैक्टी क्या करेगा, अपने पत्तों को शेड कर देगा। अब पत्तों को गिराने का मकसद क्या है, जब देखिए, जब आपको पता है पत्तों के ऊपर होते हैं स्ट्रोमेटा होंगे तो ट्रांसपरेशन रेट होगा, ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगा। एक बात और यहाँ पर कि अगर उसके स्टोमेटा डिप्रेशन में पाए जाते हैं, तो डिप्रेशन में स्टोमेटा प्रेजेंट होने की वजह से उनका ट्रांसपरेशन रेट लो होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन ही नहीं होंगे जल्दी, और जल्दी ओपन नहीं होंगे तो वहाँ पर ट्रांसपरेशन रेट भी बहुत ही लो हो जाएगा। और जब कैक्टस अपने पत्ते शेड करता है, अपने लीव्स को गिरा देता है,
तो क्यों गिराता है? ताकि स्टोमेटा ही जब प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके उसके पत्ते नहीं है तो स्टोमेटा नहीं रहेगा, जब स्टोमेटा नहीं होंगे तो इसका मतलब है वहाँ से ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, लेंटी सेल्स के थ्रू होगा जो कि बाहर पीछे बाहर की रह जाएगी, जब पत्ते नहीं होंगे तो सिर्फ उसकी बार्क और उसका स्टेम ही रह जाएगा ना, तो वो स्टेम क्या करेगा, उसके पास लेंटी सेल्स होंगे, लेंटी सेल्स की मदद से थोड़ी बहुत ट्रांसपायरेशन होगी, लेकिन पत्तों की मदद से ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए पत्ते वो गिरा देता है ताकि उसका ट्रांसपायरेशन रेट ड्राई कंडीशन के अंदर लो हो जाए। फिर इसकी जो स्टेम है, देखें जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पौधे के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पत्ते हैं वो तो फोटोसेंसिस करते हैं और फोटोसेंसिस करके अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी में, लेकिन जब कैक्टस ने अपने लीव शेड कर दिए तो उस दौरान वो खुराक कहाँ से लेगा? उस दौरान जब पत्ते गिर जाएंगे तो स्टेम उसका इस अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा कि वो फोटोसिंथेटिक स्टेम बन जाएगा। स्टेम क्या है? कैक्टस की जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फिर वो अपने सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करेगी और पौधे को फ्राहम करेगा। और फिर सर्कुलर स्टेम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसी स्टेम जो कि सक करती है वाटर को, फूड को, और उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम संकन स्टोमेटा कहते हैं, और उसके अंदर वो स्टोर कर लेती है एक्स्ट्रा वाटर को। जीरिक प्लांट्स की, जीरोफाइट्स प्लांट की एग्जाम्पल हमारे पास एलोवेरा और कैक्टस है। एलोवेरा तो सबने चले, कैक्टस किसी किसी ने देखा होगा, एलोवेरा तो सबने देखा होगा, सबके घरों में कॉमन लिए पाया जाता है एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या है? एलोवेरा हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जो कि जीरो फाइट्स है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके पत्ते अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं, और लेदर से इसको जब इसको हम कट करते हैं तो अंदर से एक वैक्स टाइप एक चीज़ निकलती है, तो वो एक एलोवेरा की एग्जाम्पल है। कैक्टस बिल्कुल इस तरह का होता है, जस्ट इस तरह से ना, सिर्फ डंडे डंडे से बने होते हैं, बिल्कुल इस तरह से करके एक एग्जांपल अगर आप देखें, आपने देखा होगा आई थिंक सो, कैक्टस का पौधा, इसके ऊपर पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं है प्लांट। आपकी बुक के अंदर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, आप वहाँ से इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखें जीरो फाइट प्लांट्स की आपके बुक के अंदर जो है वो डायग्राम बनी हुई है, बिल्कुल इसी तरह से जो है जीरो फाइट प्लांट होता है जिसके अंदर कैक्टस की एग्जांपल है हमारे पास, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी आपको समझ ना आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।